हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं, बहुत ही अलग सीखने वाले हैं। आज ABCD तो नहीं सीखेंगे, आज हम सीखने वाले हैं ABCD स्पेलिंग के साथ वर्ड्स। तो हम ट्राई करते हैं, हम कैसे कर रहे हैं देखो, आप भी घर पे ये कर सकते हो, पजल्स के साथ बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो। ये तो आप बताओ बच्चों, ए हम निकालते हैं और ए के साथ हम इंक्लूड करते हैं आई और आर को। अगर हम ए के साथ आई आर को इंक्लूड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या बनने वाला है ये? एयर। ए, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? आई को। और आई को हमने ढूंढ लिया है, अरे वाह, हमने गेट कर लिया है आई। अब हम ढूंढने वाले हैं आर, नेक्स्ट आर है हमारा। और बच्चों बताओ, हमने आर को भी ढूंढ लिया, अरे वाह, तो हम कल करने वाले हैं, मतलब ये पूरा हो चुका है हमारा ए आई आर। बच्चों बताओ क्या होता है एयर? मीन्स हवा। एयर मीन्स हवा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बी इज फॉर क्या होता है? नेक्स्ट बी इज फॉर बैट। अरे वाह, आपने तो बहुत ही खेला होगा बॉल, बैट बॉल, राइट? तो बच्चों आज हम करने वाले हैं बैट। बी, ए हम नेक्स्ट वर्ड ढूंढते हैं टी। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा बच्चों? टी। तो फाइनली हमें मिल गया है हमारा टी। तो बच्चों बताओ बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। बी ए टी बैट। ओहो, मतलब आपने खेला है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है वर्ड बच्चों, बताओ? सी। और सी के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? और हमें सी मिल चुका है, और सी इज फॉर, आपने आई थिंक गेस कर लिया होगा जैसा कि मुझे लग रहा है, सी इज फॉर कैट। ओहो, वेरी नाइस। सी ए टी कैट। कैट मीन्स, अरे वहां आपने तो सुनी होगी ना म्यो म्यो की साउंड, कैट मीन्स बिल्ली। अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, बताओ? डी। डी डी इज फॉर, डी इज फॉर बच्चों बताओ डी, आफ्टर डी कौन सा वर्ड आएगा हमारा? डी इज फॉर डॉग। और हम ढूंढने वाले हैं ओ को। अरे ओ ओ ओ ओ, मिल गया हमारा ओ। नेक्स्ट हम ढूंढने वाले हैं जी को। जी कहाँ है? जी कहाँ है? अरे वाह, हमने गेट कर लिया जी को। डी ओ जी, बोलो बच्चों क्या होता है? डॉग। और आपने तो गली में भी देख रखा होगा, और डोमेस्टिक भी होता है हमारे पास, तो हमें पता है डी ओ जी, डॉग मीन्स कुत्ता। अरे वाह, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है बच्चों, बताओ? ई। ई इज फॉर Eat, is for eat, और हम करने वाले हैं eat को combine। देखो हम arrange कर रहे हैं a को, a कहाँ पे है हमारा? अरे वाह, हमें a मिल चुका है। अब हम ढूंढने वाले हैं t को। eat, finally हमें t मिल चुका है। तो हम जैसे कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, eat means खाना होता है, eat, e ए टी। वाओ, आज तो आपने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।